अयोध्या राम का जन्मस्थल, महाराजा दशरथ का साम्राज्य ऐसी कठिनाइयां झेलनी पड़ी जो धरती मां के लिए भी कठिन है। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी, और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। त्रेता युग की रामायण का मैं प्रथम कारण हूं, महादेव का परम भक्त लंकेश दशानन रावण। दोस्तों, टी सीरीज के आदि पुरुष के डिजास्टर मूवी के बाद अब एक और मूवी इस रामायण पर बनने जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आया है। दोस्तों, आज तक जितने भी हिंदू माइथोलॉजी पर मूवीज बनी है उससे कई ज्यादा मेगा बजट की और सबसे बेहतरीन मूवी अब बनने जा रहा है, वो भी एक या दो पार्टों की नहीं बल्कि तीन पार्टों में इस रामायण मूवी को बनाया जाएगा, जिसको और कोई नहीं बल्कि दंगल जैसे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने वाले डायरेक्टर नीतीश तिवारी इन तीनों ही फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। बताया जा रहा है कि इस मूवी की कास्टिंग बहुत ही जबरदस्त किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के किरदार में हम सभी के फेवरेट रणबीर कपूर श्री राम के किरदार में दिखाई देंगे, और सीता माता के किरदार में हम सभी के फेवरेट अभिनेत्री साई पल्लवी सीता माता के किरदार में दिखाई देंगी, और इसके साथ ही श्री भक्त दशानन रावण के किरदार में और कोई नहीं बल्कि रॉकिंग स्टार यश इस रावण के किरदार में दिखाई देंगे, और पवन पुत्र हनुमान के किरदार में सनी देओल, और दशानन के भाई विभीषण के किरदार में भी देवल नजर आने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इस मूवी की कास्टिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल किया गया है, और अभी से इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, और बताया जा रहा है कि ये मूवी रिलीज होने के बाद सुपर डुपर हिट साबित होने वाला है। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है इस रामायण मूवी को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।